नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और चलिए आज हम राजधानी भोपाल के आपको हम अनूठे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे लोगों से जो कि सीनियर सिटीजन हैं लेकिन उनके साथ बहुत सारी यूथ भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेंगे और सीनियर सिटीजन बनने के बाद वो अलग अलग तरह से योगदान दे रहे हैं। किस तरह से योगदान दे रहे हैं चलिए तस्वीरों के जरिए हम समझेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनका हाल जानेंगे कि इस उम्र में क्या हाल है। आप इधर समय देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन आप तस्वीरें देखें तो कुछ हटके भी तस्वीर दिख रही हैं और ये आज की तस्वीर नहीं है, हर दिन इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और शुरुआत करते हैं, साहब क्या हाल है आपका? मैं बहुत अच्छा हूँ। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मैं के पाहुजा। साहब पाहुजा जी, बड़ा सुना है कि भोपाल, राजधानी के भोपाल के जो सीनियर सिटीजन हैं बहुत ज़्यादा अभी भी एनर्जेटिक हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन का मतलब ये नहीं होता, इट इज़ ए मैटर ऑफ ओनली नंबर्स। हम लोग रिटायर्ड जरूर हैं लेकिन टायर्ड नहीं है। और मैं और मेरी यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन जो लोग आप देख रहे हैं ये बहुत ही एनर्जेटिक लोग हैं। मैं सामाजिक और यहाँ के हेल्थ क्लब से सब संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे सीनियर सिटीजन आपको देख रहे होंगे इतने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं कि आपको फक्र होगा कि सीनियर सिटीजन आज यूथ से भी आगे निकल गए। यूथ से आगे सीनियर सिटीजन है। चलिए थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आपका क्या नाम है साहब? प्रदीप इंजीनियर। साहब आप किस तरह सेवा दे रहे हैं अपनी? देखिए साहब, हम लोग तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी बनाई हुई है और वो सोसाइटी के द्वारा हम संपूर्ण कार्य करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए और प्रजा के लिए। कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, क्रिकेट मैच कराते हैं और कैरम बोर्ड खेलते हैं। वहाँ पे हमारे पास में जगह है, कैरम भी होता है और क्रिकेट भी होता है। यस, हमारे यहाँ ये पार्क हम लोग पूरा डेवलप किया सब लोग मिलके और 26 जनवरी को बहुत सुंदर अपन प्रोग्राम किए, होली मिलन किया और सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और जब कोविड हुआ तब भी हम लोग बहुत आगे आए, सबको हेल्प किया है और संस्कृति में भी जैसे गाना और डिफरेंट कविता और सब सोशल एक्टिविटी में। इसके साथ साथ हम लोग रामकृष्ण आश्रम और यानी सब कुछ कर देते हैं साहब, सब कुछ कर देते हैं और यहाँ खेलना भी चलता रहता है। बिल्कुल, यहाँ सब कुछ सारी एक्टिविटीज चलती हैं। सोशल, मैं रिटायर्ड हूँ पंजाब नेशनल बैंक से जी। और आप मैं नजर लगते नहीं है। अच्छा हो गया। ये सब इसी की देन है कि यहाँ सारे हसमुख लोग हैं, बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ चलती रहती है। मैं खुद मैं बॉडी डोनेशन से जुड़ा हुआ हूँ और कई लोगों का यहाँ के संकल्प लेता हूँ मैं। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन के लिए भी मैं लोगों के रिजोल्यूशन वगैरह संकल्प। आप देखिए उम्र का तकाजा देखिए, आपके साथ रिटायर्ड हैं लेकिन झलकता नहीं है, चेहरे से नहीं झलकता। चलिए, और यहाँ महिलाएं भी बहुत सारी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? वंदना सक्सेना जी। जी आप अपना योगदान बताइए। हमारा अच्छा लगता है, ऐसे देखते हैं हम लोग, ये सब लोग खेलते हैं और आनंद आता है। कभी कभी हम हास्य क्लब की तरफ भी जाते हैं और वहाँ भी सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इस मिनाल में काफी उन्नति है और महिलाएं भी भाग लेती हैं और महिलाएं भी काफी अच्छे से। देखिए, आप आधी आबादी की बात करें तो नजरें आप पे टिकी जाती हैं। आपका क्या हाल है? मेरा हाल तो बहुत बढ़िया हाल है जी। अभी 72 में चल रही हूँ। और मेरा शौक है, मैं यहाँ 20 तो आपको दादी कहा जाए, हो सकते हैं कह सकते हैं। हमारी यहाँ पे भजन मंडली, हरि भजन मंडली द्वारा हम लोग भजन कीर्तन और सुंदरकांड भी करवाते हैं। तो कहाँ होता है भजन कीर्तन सुंदरकांड? घरों में, घरों में जिसकी इच्छा है वो अपने घरों में करवाते हैं। जिसकी इच्छा है, जिसकी इच्छा उसी के द्वारा हम, मतलब नवरात्रि है, कोई शिवरात्रि है, ये जन्माष्टमी है, किसी उस पे त्योहार के उस पे जो भी। आप भी जाती हैं भजन मंडली में? बिल्कुल, मुझे हर तरह सब जगह जाने का शौक बहुत है। क्या क्या गाते हैं आप? जगह शामिल हो जाती हूँ। लेकिन आसपास के इलाकों में ज्यादा दूर नहीं जा पाती, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ रह के, बहुत अच्छा। आप क्या गाती भजन मंडली में? नहीं, मैं कैसे एक हम लोग बोलते हैं ना कि भारतीय संस्कृति जो है वो आज की पीढ़ी में हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए एक प्रयास शुरू है यहाँ पे मिनाल में भी हम कर रहे हैं। तो हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से लोगों में वो पहुँचाना, क्योंकि शिक्षण पद्धति है इसमें से तो हमें भारतीय संस्कृति की कहीं झलक नहीं दिखती है, तो वो
व्यक्तिगत रूप से ही लोगों तक जाके बात करना, पहुंचाना और उनको एकत्रित करना। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी गुड़ी पाड़वा 9 वर्ष है, 31 जनवरी लोग मनाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारा हिंदुओं का जो 9 वर्ष है वो तो अभी चैत्र। यहाँ पर जो है अनेकता में एकता भी दिखती है, अलग अलग समाज अलग अलग वर्ग से हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। आप क्या करते हैं? मैं एक फिटनेस कोच हूँ और वाकई हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, फिटनेस कोच है तो अपने आप में संपूर्ण चीज हो जाती है। मैंने मतलब अपने आप पे बहुत काम किया है। मैंने वेट लॉस किया है अपना करीब 29 केजी वन ईयर में। और मैं लोगों को मदद करती हूँ, बाकी मतलब बाकी सारी एक्टिविटीज में भाग लेती हूँ और अपना जैसे क्लब वगैरह है। तो ये यूथ को भी अपने साथ में ले लिया है, ये सब हमारे ग्रुप वाले। आपका क्या हाल है? बढ़िया हूँ। बढ़िया है जी जी। तो कैसे इन लोगों को बीच में आप भी हैं? एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप हैं। एक सीनियर सिटीजन ग्रुप है, एक महिलाओं का ग्रुप है जो कि सिंगिंग कंपटीशन भी यहाँ बहुत शानदार एक कार्यक्रम हुआ था 1000 लोगों का जो कि BHL के क्लब में हुआ था, तो उसमें भी मैं वहाँ थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि मुझे देखकर कि जो आजकल हम लोग नहीं कर पा रहे इतना उत्साह के साथ ये लोग करते हैं। देखिए, सबका यही कहना है कि सीनियर सिटीजन कहने के हैं यहाँ पर, लेकिन सब यूथ हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल बिल्कुल, गीत संगीत में रुचि रखते हैं हम लोग। रखते हैं जी, और जब टाइम मिलता है तो गाते भी हैं। आपका क्या नाम है? अमरजीत सलूजा। कितनी उम्र होगी आपकी? 64 प्लस वाले व्यक्ति। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है, मिनाल में तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पे सब संगीत वाले और ऐसे भी योग वगैरह सब जाते करते हैं। तो आप देख रहे हैं, हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर तस्वीर में आप देखें कि ये सब सीनियर सिटीजन हैं, और सभी लोगों से हम चर्चा करेंगे। और आपको एक अलग ग्रुप भी दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा ग्रुप के बारे में जानते हैं। और ये ग्रुप क्या करता है, देखिए इसमें आप तस्वीरों में देखिए कि इस ग्रुप में सबसे सीनियर भी हैं और सबसे जूनियर भी हैं, दोनों हैं। 12 साल। क्या नाम है आपका? अनुज है राव। अच्छा, आप कौन से ग्रुप में हैं? ये तो सीनियर लोगों का ग्रुप है। नहीं, ये लाफ्टर क्लब। लाफ्टर क्लब है, इसमें कोई उम्र नहीं होती? नहीं होती। लाफ्टर क्लब में सबको उम्र नहीं होती है? क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद साहू जी। जी, ये कब बना लिया आपने ग्रुप? ग्रुप हमारा बहुत पहले का बना हुआ है। हाँ। पर मैं अभी 1.5 साल से जुड़ा हूँ। 1.5 साल से? हाँ। तो कितनी सेहत सुधरी हंसते हंसते? हाँ, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए मैं रोज आना है। रोज आते हैं, बच्चे भी शामिल हो जाते हैं जी, जी, जी। क्या नाम है साहब आपका? यादव, HS यादव नाम है मेरा सर जी। और मिनाल रेसिडेंस में रहता हूँ जी। हाँ जी। और तो दादा, सबका सेहत सुधारना है अपना एक जी, जी, जी। SK जैन जी। तो कितने बजे आप लोग आ जाते हैं यहाँ पर? 7 बजे। 7 बजे जी। हाँ। फिर क्या होता है? 7 बजे से जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ताली बजाने से शुरू करते हैं, सबको क्लैपिंग करते हैं, फिर हार्ट एक्सरसाइज होती है। हार्ट एक्सरसाइज के साथ में 10-12 एक्सरसाइज जो है हम लोग करते हैं, और सब लोग सेहत से पहले ताली बजाते पर ढाके लगाते हैं। ढाके लगाते आगे लगते रहते हैं, बराबर लगते रहते हैं वहाँ पे ग्राउंड में। और साथ में एक नई जो चीज़ हम लोग वहाँ करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, कि हम लोग सभी लोगों का जन्मदिन भी वहाँ मनाते हैं और सनातन धर्म परंपरा के अनुसार मनाते हैं। जन्मदिन भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर लिया जाता है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और परिवार हो गया एक, फिर एकदम फैमिली जैसा होता है सारा कार्यक्रम। और ऐसी जगह है कि वहाँ आप भी आकर के खड़े होंगे तो नेचुरल कोर्स में आपकी हंसी निकलने लग जाएगी उसके बाद वहाँ, और एकदम निश्चल हो जाता है। यहाँ आके कोई उदास नहीं रहेगा, कोई गारंटी, पूरी गारंटी उदासी भाग जाएगी। 7 बजे से 7:45 तक का जो हमारा कार्यक्रम रहता है चलते रहता है। ये जो यूथ है ना, न्यू जनरेशन वाली, कुछ उदास बहुत रहती है कई बार, आपका सजेशन क्या है उन लोगों के लिए? लोग क्या है, डिप्रेशन में रहते हैं लोग, अपने लिए समय नहीं निकालते। मैं सुबह अपने लिए 2 घंटे निकालता हूँ, जिसमें आधा घंटे साइकिलिंग है, उसके बाद कुशवाहा जी के सौजन्य से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। वो आपने साइकिलिंग भी करते हैं? मैं साइकिलिंग करता हूँ सुबह, और हमारे पिताजी 86 ईयर्स के हैं, वो यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, और हमारे जो संचालक हैं KK कुशवाहा जी, वो सबको प्रेरित भी करते हैं और सुबह टाइम से बुला के प्रेरित करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दिलीप चोपड़ा। चोपड़ा जी, आप रिटायर्ड हैं, पहले क्या करते थे, किस फील्ड में? पहले मैं सीमेंट इंडस्ट्री में था, ADM परचेज एंड स्टोर्स था जी।
और अभी तो आप पहले की लाइफ और आप अपनी लाइफ में कितना अंतर देख रहे हैं? पहले की लाइफ से अभी की लाइफ मेरे को ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, एंजॉय कर रहा हूँ, फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटीज एंड वरीज एंड जस्ट लाफिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज एंड कीपिंग माई सेल्फ फिट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज। ये जोश देख रहे हैं, ये जोश आप में भी जरूरी है और सभी लोग आप इसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं। चलिए और लोगों से चर्चा करेंगे ग्रुप के बारे में और भी समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ भी हम समझते हैं कुछ। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया साहब, बढ़िया। हाँ, अब आप लोगों का कुछ डिफरेंस है क्या? डिफरेंस नहीं, हम लोग जैसे कि यहाँ संगीत ग्रुप है जी, ये सीनियर सिटीजन के सब लोग हैं, तो हम लोग जो है ऐसे ही कोशिश करते हैं कि जितने सीनियर सिटीजन हैं वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इसके लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है आपका परिवार बहुत बड़ा है, एक छोटे परिवार में भी कभी कोई उदास हो जाता है, कोई बीमार दुखी हो जाता है, तो यहाँ भी कुछ होता होगा, कैसे संभालते हैं? एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और अगर किसी की तबीयत खराब हुई, कुछ हो गई, तो रात में भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके मदद के लिए पहुँचते हैं। आप लोग पहुँचते हैं, मतलब एक पूरा एक फैमिली बना रखी है। बिल्कुल साहब, एक हम लोग तो फैमिली की तरह हैं। सही बताएं तो जैसे एक सीनियर सिटीजन की का एक ग्रुप है, आपने वहाँ बात की थी, उसके हम भी मेंबर्स हैं, और हम लोग यानी कि इस बात को अच्छे से समझते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे। इस बात का अब जैसे अब म्यूजिक को ही लीजिए, संगीत को लीजिए, संगीत जी दुनिया में माना जा चुका है कि संगीत से हम हमेशा अच्छा अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करते हैं। संगीत के जरिए स्वास्थ्य भी ठीक होता है, ठीक होता है ना, ये आज बताते हैं आप लोगों को, यूथ को बताते हैं हम। बिल्कुल, मैं खुद अपने ऊपर भी अजमाया हुआ है, मैं हार्ट पेशेंट रहा हूँ, डायबिटिक हूँ, पर जब से मैंने संगीत को ज्वाइन किया है और बहुत ये सारी चीज़ें मेरी कंट्रोल्ड हैं, जो है ब्लड प्रेशर। तो संगीत में क्या करते हैं आप? मैं गाता हूँ, हमारा ग्रुप है सुर सरगम संगीत ब्रंद, उसमें हम सीनियर सिटीजन्स, उसमें हम ऐसे प्रोग्राम भी किए हैं कि 12 साल से 72 साल तक के सिंगर्स को अवसर दिया। 12 साल से 72 साल, सब कोई चार्ज तो नहीं करते हैं आप संगीत सुनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल चार्ज नहीं करते, और हमारा जो है पिछले लॉकडाउन से इस सुर सरगम संगीत समूह शुरू हुआ है, जिसमें हम डेली एक गाना जो है आपस में शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, और संगीत से टेंशन, योगा, सभी कुछ हो जाता है गाने में। संगीत संपूर्ण है अपने आप, संपूर्ण है अपने आप में, और संगीत एक टूटे हुए दिल की दवा भी है। तो संगीत के माध्यम से, लेकिन साहब जब जो आप लोग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में आप लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी की दवाई की आवश्यकता पड़ती होगी, सबसे बड़ी दवाई तो आप अपने आप में है। अभी पूछा ना आपने, कोई आप चार्ज तो नहीं लेते? हम लोगों को चार्ज करते हैं, चार्ज लेते नहीं है। लोगों में जो है ऐसा ब्लड सर्कुलेशन संगीत से जो होता है। मैं अनिल गर्दे, हमारे एक ग्रुप है संगीत सुर सरगम संगीत वृंद, और पूरे भोपाल में हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, और अभी आने वाले 4 अगस्त को हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं 12 घंटे लगातार किशोरदा के जन्मदिवस पर। अच्छा, 12 घंटे लगातार, 12 घंटे लगातार किशोरदा के गीत गाकर लोग किशोरदा को सर्वांजलि। कौन कौन गाएगा साहब? सब गाएंगे। हमारे रामायण मंडल के अध्यक्ष है, रामायण मंडल भी है हमारा, 2004 से चल रहा है रामायण मंडल। क्या काम करता है? सुंदरकांड पाठ करते हैं रामायण। जी जी, तो अभी भोपाल में, अभी भोपाल, अभी किशोरदा के जन्मदिन पर, जन्मदिन पर 4 अगस्त ना, 12 घंटे कंटिन्यू चलेगा। हम लोग तो सुंदरकांड, मैं सीनियर सिटीजन ग्रुप से जुड़ा हूँ, 66 है मैं, खास कर उस समय सारे ग्रुपों से जुड़ा हुआ मैं। रामायण मंडल 2004 से रामायण मंडल भी चला रहे हैं, और ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं सुंदर साहब। जो आपके बीच, आप यूथ के बीच में जाते हैं क्या यूथ को मोटिवेट करने के लिए? वैसे ही हमारे साथ आके सब वैसे ही मोटिवेट होते रहते हैं, जैसा वो नारा है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, तो हम लोगों के साथ में जो आ गया वो फिर फेविकॉल जैसा जुड़ जाता है। आ गया तो फिर जुड़ गया, फेविकॉल जैसा जुड़ जाता है, अलग नहीं होता, फेविकॉल का जोड़ है। आप देखिए, ये सीनियर सिटीजन का जो है फेविकॉल का जोड़ है, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया है। हम लोग म्यूजिकल इवेंट करते हैं, जैसा कि बताया अनिल भाई ने। जी जी, एक आपको एक लाइन सुना देता हूँ जी, जो अभी हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं 4 अगस्त को किशोरदा के बर्थडे पर। जी, सबसे बातचीत करना, थोड़ा शॉर्ट में सुनाइएगा। छूकर मेरे मन को
किया तूने क्या इशारा। साथ ही साथ हम योगा क्लास भी चलाते हैं मंदिर में सुबह शाम। साहब क्या नाम है आपका? कमलजीत सिंह जी। सलूजा जी सिंगिंग में एक्सपर्ट हैं सभी और सिंगिंग करते हैं। सिंग हमारा जो ग्रुप है सुर सरगम सीनियर सिटीजन ग्रुप है और योगा है, तीनों ग्रुप हैं हमारे न्यू मिनाल में और हम शौक से गाना गाते हैं। एक बड़ा टीवी सीरियल बड़ा मशहूर है, फेमस है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो ग्रुप है उस पर भारी पड़ गया। ग्रुप है, मैं आशा पाहुजा हूँ और मैं रिटायरमेंट के बाद अपना सिंधी समाज जी, मैं रिटायर्ड हूँ पर टायर्ड नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड पाहुजा तो वो टायर्ड होने नहीं देते हैं। तो मैं अपने समाज सिंधी समाज से बिलोंग करती हूँ और हम लोग मिनाल मंदिर में पूरे 5 साल से लगातार सारे धार्मिक आयोजन बहुत सभी वर्गों के सभी धर्मों के लोग आपस में लोग हैं। और इसके अलावा भी मैं सुर संगम से भी जुड़ी हुई हूँ और सुर साधना भी कर रही हूँ साथ में। ये तो गोकुल धाम जो सोसाइटी है ठीक ही इसके आगे ऐसा क्या? नहीं, यहाँ तो सब कार्यक्रम होते रहते हैं, सब समाज के लोग हैं, सबका अपना अपना अलग। मैं महाराष्ट्रीय हूँ, स्मृति गर्दे, हम लोग महाराष्ट्र समाज से है तो हमारे भी अपने कार्यक्रम जो चलते रहते हैं महाराष्ट्रीय लोगों के वो भी सब यहाँ होते हैं। हम लोग का पूरा ग्रुप है ऐसा, तो हम लोग सब मतलब ये भी कार्यक्रम होता है और सुर संगम से भी जुड़े हैं तो वहाँ हमारे गाने के कार्यक्रम भी होते ही रहते हैं। मतलब टेंशन तो आती है क्या आसपास? बिल्कुल नहीं टेंशन आती। ये जो एज है ये तो हमारा गोल्डन पीरियड है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो जो गाना सीखा है अभी गाते सबके बाहर है। आप गाते हैं? सीखा है, गाते अच्छा है, नहीं गाते अच्छा बस सुनने के शौकीन और गा लेते हैं, बस गा लेते हैं। चलिए और यहाँ पर देखें कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कैसा आपका क्या हाल है? मैं के कुशवाहा जी, लाफ्टर योगा क्लब 2006 चला रहा हूँ और 400 लोग अभी तक उसे ज्वाइन कर चुके हैं। अभी एग्जिस्टिंग 111 मेंबर्स हैं उसमें। तो मैं नेशनल लेवल का प्लेयर भी रहा स्पोर्ट्स में और एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी मार्शल आर्ट वगैरह सब सीखा हूँ, सबको एक कॉम्बो बनाया हूँ उसको। ये तो आपने मैग्नेट थेरेपी ऐसे करते हैं कि सब लोग जुड़े आते हैं? जुड़े जाते हैं, बनता जाता है, जुड़ते जाते हैं बिल्कुल। तो सब लोग एक बहुत सुंदर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अभी इस बार 7 लोग स्पोर्ट्स मीटिंग में नेशनल खेल के आए हैं और एक सबसे बड़ा मिथक था कि ये जो लाफ्टर योगा क्लब में सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं उसको हमने तोड़ा है। अभी 11 साल का बच्चा भी जी बहुत बढ़िया होती है हमारे ग्रुप में कि अगर कोई हादसा हो जाए, किसी का समय आ गया हो, कोई घटना हो जाए, किसी का समय आ गया ऊपर जाने का, वो चला जाता है तो हमारी सोसाइटी का हर मेंबर उसको लेके जाता है वहाँ तक। अस्पताल में जाना, ब्लड देना, सब अरेंजमेंट, अस्पताल में जाना, इलाज करवाना, ये सब काम हम लोग ज्यादा मिलजुल के करते हैं। और उन लोगों का खास तौर से ध्यान रखें जो अकेले रह रहे हैं और जिनके बच्चे जो है अमेरिका में, मोस्टली अमेरिका में है, उसके इंग्लैंड वगैरह में भी है, उन सबका भी ख्याल यहाँ पे। इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि आपका परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है और करीब 250 के करीब मेंबरशिप है। अभी लास्ट में एक वो जो अमिताभ बच्चन बोला था ना किसी उसको कोई बुड्ढा, तो हम लोग का हमेशा याद रहता बुड्ढा और तेरा बाप। कोई भी खुशी हो तो बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारे पार्षद जी हैं, इंजीनियर भी हैं, विनोद शर्मा जी हैं वो भी, और दीदी हमारी शिरोमणि शर्मा जी। अनेकता है बहुत सारी लेकिन सब में एकता दिखती है, अनेकता में एकता जो है। आपने एक बात पूछी थी कि यंग जनरेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग यंग जनरेशन के लिए भी काम, वो उनको पढ़ाने का काम करते हैं। मैं से फॉर एग्जांपल मैं बीएचएल से रिटायर हुआ हूं और मैं मैनेजमेंट के फील्ड में एक्सपर्ट हूं, तो हम जो है जो यहां के लोकल कॉलेजेस हैं वहां बच्चों को जाके पढ़ाते हैं। मैं सेक्रेटरी हूं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन का और वहां हम बच्चों को किस तरह से आगे की अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। अभी देखें हम की और एक और सीनियर सिटीजनों को पीछे नजर आ रहे हैं। सर इनकी एक खासियत बता दूं, अभी रिसेंटली इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी तो उस समय हम लोग गए थे, मतलब पूरी इनकी याददाश्त शक्ति चली गई, किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। अभी एक हफ्ते से लाफिंग क्लब आना शुरू कर दिया, पूरी याददाश्त वापस हो गई। ये 2006 से हमारे मेंबर हैं, जुड़े हुए हैं
एज अभी 85 साल एज इनके 85 ईयर्स है। और चलिए बोलते हैं कि बुड्ढा होगा तेरा बाप। साहब ये जो एनर्जी देख पा रहे हैं, ये राजधानी भोपाल के एनर्जी आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं, कोई 75 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई 86 साल का है, लेकिन जब बात लोगों की एक्टिविटी की आती है, यूथ के साथ कदम ताल करने की आती है, और इस बीच कोई इनको सीनियर सिटीजन कह देता है तो सीधे तौर पर आवाज यही आती है बुड्ढा होगा तेरा बाप। कैमरामैन विजय सितर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज 24 भोपाल।